हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एनिमेट। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे वॉक टू स्टॉप करना है। मैंने इसमें पहले ही एक एनिम इंपोर्ट करके रखा है वॉक का, उसको पहले डिलीट करता हूं। ओके, शुरू से दिखाता हूं। सबको सिलेक्ट किया, फेशियल कंट्रोलर मैंने ऑफ करके रखा है, सबको सिलेक्ट किया। ग्राफ एडिटर, ग्राफ एडिटर से मैंने इन्फिनिटी ऑन करके रखा है, इसीलिए ऐसा दिखा रहा है, बहुत क्रिटिकल दिखा रहा है। सबको ड्रैग सिलेक्ट करो, ठीक है, सिंपल है। पहले व्यूपोर्ट में ड्रैग सिलेक्ट, उसके बाद ग्राफ एडिटर में आ जाओ, फिर ग्राफ एडिटर से ड्रैग सिलेक्ट। ओके, फिर जस्ट कीबोर्ड में डिलीट मारो, ठीक है, प्रेस डिलीट ऑन कीबोर्ड, हो गया। ये अभी एनिमेशन पूरा क्लीन है। तो ये रहा मेरा मास्टर कंट्रोलर, फिर फाइल इंपोर्ट एंड एनिम इंपोर्ट। इसमें टाइम रेंज, इसको अगर स्टार्ट किया तो जिस भी स्पेसिफिक फ्रेम से तुमको चाहिए, सपोज 50 से चाहिए, 50 से आ जाएगा। मैं अभी के लिए क्लिपबोर्ड करता हूँ एंड इंसर्ट, फिर इंपोर्ट। ओके, गोलू प्रोग्रेसिव वॉक मैंने पहले भी इंपोर्ट किया था, इसलिए पहले से दिखा रहा है। अगर नहीं दिखाता है तो जहाँ पे तुमने एनिम रखा है उधर से इंपोर्ट कर लो। ओके, सिलेक्ट कर लिया इंपोर्ट। तो ये मेरा एक छोटा सा वॉक साइकिल आ चुका है। तो मैंने इधर पे वॉक साइकिल को सिलेक्ट करता हूँ, देखो 25 फ्रेम में वॉक साइकिल ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद इस पैर को देखो, ये देखो पैर में कोई भी इन बिटवीन की फ्रेम्स नहीं है। की फ्रेम तो दिखाई नहीं रहा है, पर साइकिल भी नहीं आया, क्योंकि मैंने इसमें साइकिल मारने में मिस्टेक किया है। तो क्या करूँगा मैं, सबको ड्रैग सिलेक्ट करते हैं दोबारा एंड मास्टर सब मास्टर को छोड़ देते हैं, जो भी नीचे बड़ा कंट्रोलर्स है, मास्टर सब मास्टर्स, कोई कोई ग्लोबल एंड सब को ग्लोबल भी बोल सकते हैं। तो फिर से चले जाते हैं ग्राफ एडिटर में, सबको ड्रैग सिलेक्ट देन ग्राफ एडिटर एंड अभी डिलीट नहीं मारना है। ओके, सबको फिर से ड्रैग सिलेक्ट ग्राफ एडिटर में एंड चले जाना है कर्व पोस्ट इन्फिनिटी एंड साइकिल, ठीक है। तो देखो कुछ इधर पे चेंजेस हुआ फटाक से, शायद विजिबल हुआ या नहीं हुआ, पर जो जिसमें भी साइकिल नहीं मारा था सब में साइकिल ले लिया इसने। ओके, एंड सब मास्टर को सिलेक्ट करता हूँ, इसका चले जाता हूँ ट्रांसलेट जी में। यस, इसमें ऑलरेडी है, तो ये ऐसा ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे नहीं आ रहा। इसको अगर मैं पोस्ट इन्फिनिटी, अभी देखो कैरेक्टर तो आगे से मतलब पीछे से सामने जा रहा है ना, तो इसको मैं अगर साइकिल मार देता हूँ तो देखो ग्राफ एडिटर चेंज हो गया। तो अभी ये ऐसा ऐसा होगा, एक ही जगह में बैक करेगा फिर चलेगा, तो ये रहेगा साइकिल विथ ऑफसेट, सिंपल। ओके, तो ये हमारा वॉक साइकिल इंपोर्ट हो चुका है प्रॉपरली, हो गया। अभी क्या करेंगे, सिंपली सबको सिलेक्ट करना है। मैंने 70 फ्रेम लिया है इधर पे टाइम लाइन में, तुम्हारा जितना शॉर्ट होगा जितना फ्रेम का उस हिसाब से लेना। तो सब कंट्रोलर को मैंने सिलेक्ट किया है एक्सक्लूडिंग सब मास्टर, मास्टर कंट्रोलर को छोड़ दिया है, बाकी सबको सिलेक्ट किया है। तो सबको ठीक है, फिर ये ऑफ इन्फिनिटी को ऑफ कर देता हूँ, देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो चला जाता हूँ कर्व में एंड इधर पे कहीं पे होना चाहिए बैक चैनल, यस ये रहा बैक चैनल, ऑप्शन बॉक्स में चला जाता हूँ एंड इधर पे करता हूँ टाइम स्लाइडर है। एक काम करते हैं, रीसेट कर लेते हैं, रीसेट सेटिंग एंड टाइम स्लाइडर। ओके, अगर मैंने स्पार्स कर्व बेक किया तो क्या होगा, जो मेरा डिस्टेंस है ये इसमें देखो 10 उसके बाद 13 फ्रेम, तो बीच में दो तीन फ्रेम में कीज़ नहीं है, तो उसमें कीज़ नहीं आएगा, ठीक है, उस हिसाब से आएगा। तो मैं इसको ऑन ही कर देता हूँ, स्पार्स कर्व ऑन करता हूँ अभी बेक। ओके, तो ये बेक हो चुका है। अभी देखो सब फ्रेम में कीज आ चुका है अप टू 70। मैंने टाइम इधर पे क्या सिलेक्ट किया था बेक चैनल से, ये टाइम स्लाइडर, तो टाइम स्लाइडर में जितना भी कीज विजिबल रहेगा उस हिसाब से बेक होगा। ओके, क्लोज आ चुका है। तो मान लो अभी मुझे 10 तक स्टॉप करना है, ठीक है, तो एक काम करता हूँ 46 में की मार देता हूँ। तो ओके, इस फ्रेम तक रखता हूँ, चलो
50 फ्रेम तक मैं रखता हूँ, सबको ड्रैग सिलेक्ट। 50 फ्रेम में बस कीबोर्ड में एस मार दो, एस, ठीक है। एंड सबका ऑटो की फ्रेम ऑन रहेगा हमेशा। हाँ, सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट, 50 फ्रेम में आ गया, प्रेस एस सेट की। उसके बाद तुम ग्राफ हेडर में चले आओ एंड उसके पीछे जो भी सेट कीज है उसको ड्रैग सिलेक्ट करो सब कंट्रोलर का एंड जस्ट प्रेस डिलीट। ओके, तो डिलीट हो चुका है बस। हाँ ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या हो रहा है देखो, इधर पे कीज नहीं है, आफ्टर 50 कोई भी कीज नहीं है, पर एनिमेशन तो हो रहा है ना, एनिमेशन हो रहा है। तो ये एक कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को हटाओ, सब कंट्रोलर को सिलेक्ट करो, पहले अगर सिलेक्टेड है तो ओके, नहीं तो दोबारा सिलेक्ट करो, फिर ग्राफ एडिटर से सिलेक्ट करो एंड चले जाओ कर्व पोस्ट इन्फिनिटी कंस्टेंट। ठीक है, पहले क्या मारा था, साइकिल मारा था, ऑफसेट मारा था, अभी मारते हैं इसको कंस्टेंट। हो चुका है, अभी देखो ये बंद हो गया, वॉप वॉप 50 में आके ये बंद हो गया। तो यहाँ तक हो चुका है, 50 के बाद कोई भी एनिमेशन नहीं हो रहा है टेक्निकली। तो अभी जो भी करना है 50 के बाद करना है, तो 50 के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टॉप करेंगे। तो एक इसका जो साइकिल है कंप्लीट हो रहा था 25 फ्रेम में, तो उस हिसाब से मान लो अभी पैर पीछे है, ये राइट लेग है पीछे है, तो राइट लेग सामने जा रहा है 15 फ्रेम में, तो उसी हिसाब से मैं ये देखो ये भी एक कॉन्टैक्ट फ्रेम है, तो 15 फ्रेम में इसको आगे लेके जा सकता हूँ। ये 50 फ्रेम है तो 65 में या 64 में मान लो, तो थोड़ा मैं इसमें फ्रेम ज़्यादा ही लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा फ्रेम अभी लगने वाला है, 85 ले लेता हूँ। तो 64 फ्रेम में क्या होगा, ये सामने जाएगा एंड ये रोल इसका ऑफ कर देता हूँ एंड सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोलर है ये हिप कंट्रोलर, इसको सामने लेके जाता हूँ। एंड जो क्या बोलते हैं ट्रांसलेट वाई, उसको भी बस एक पोज क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, 50 में मैंने कीज मारा था, 64 में और एक पोज जो स्टॉप पोज है वो, ठीक है। तो देखो ये जो है इधर पे मैंने जो लास्ट पोज है वो थोड़ा कम कर दिया है, जो डिस्टेंस है, नहीं तो क्या होगा मैं कभी रुक ही नहीं पाऊंगा ना। इसका थोड़ा क्या बोलते हैं ये कर देते हैं कम करो, ठीक है। तो बीच में इसका जैसे पासिंग पोज होता है वैसा ही पासिंग पोज कर देते हैं, पासिंग के टाइम हिप जैसा रहता है वैसा ही कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। एंड थोड़ा ऊपर, ठीक है, पहले जो कैरेक्टर को ब्लॉकिंग कर लेते हैं लास्ट वाला, इसको भी 64 के बाद 64 में कीज मार देता हूँ, 64 के बाद मान लो 10 फ्रेम्स, धीरे धीरे फ्रेम भी कम होगा स्पेस भी कम होगा। ओके, रोल पूरा जीरो एंड रोटेशन तो ऑलरेडी ज़ीरो ही है, मेरे मतलब नीचे कोई भी ग्राउंड प्लेन नहीं है, अगर प्लेन रहता है तो अच्छा है। इसको रोटेशन, हाँ चलेगा, ठीक है। लास्ट जो खड़ा हुआ पोज है उसको पहले तो कर लेता हूँ। जो लोग एनिमेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी पता ही होगा कि ब्लॉकिंग भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
पार्ट होता है एनिमेशन में, हाथ वत बाद में भी कर सकते हो। तो ये पहला मतलब वॉक टू स्टॉप का बेसिक हो चुका है। अभी जो टाइमिंग है वो करना है, पोज भी ठीक करना है, इन बिटवीन्स वगैरह।